अच्छा, ये टेरेरियम हम पहले बनाने लगे हैं, और इसके लिए पहले सबसे नीचे ये एक छोटा जो ग्रेवल है उसकी हम एक लेयर लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि छोटा इसलिए कि ये जो है टेरेरियम का साइज़ खुद बहुत छोटा सा है, तो ये हम लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम गौज रखेंगे, ये वाले गौज पीस हैं जो सर्जिकल गौज आती है ना, ये वाली देखें, ठीक है। इस तरह से ये इसके पीसेज होते हैं, इनको हम थोड़ा सा फैला के ग्रेवल के ऊपर रखेंगे, और उसके ऊपर से फिर हम ये कोल डाल के और फिर हम पॉटिंग मिक्स डाल। अच्छा जी, ये देखें हम ग्रेवल के ऊपर ना एक गौज की लेयर लगा देंगे। गौज को हमने खोल के और थोड़ा सा फैला के और बस एक डबल फोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर फिर हम कोल डालेंगे। ये है ना, ये कोल को हमने पीस लिया है थोड़े बारीक, और इसको हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर में डालेंगे। अच्छा, ये देखिए सारे जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे ना, इनको अब हम मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह से। पॉटिंग मिक्स के जो लिए थे टेरेरियम में, मैं बिल्कुल मिट्टी हम लोग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा हमने पॉटिंग मिक्स डालना है। लेकिन जो ये बड़े प्लांटर्स हैं ना मेरे, ये वाले, दे हैव गॉट क्वाइट अ बिग स्पेस, तो इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी जो है सॉइल वो मिक्स करती हूँ, ठीक है। ये मिक्स हो गया है, इसको ना बहुत एहतियात से हमने एक लेयर इसकी डाल देनी है, और साथ साथ फिर बीच में हम इसमें प्लांट्स को लगाते जाएंगे। बस बेटे ज़्यादा ना, इसको थोड़ा सा हमने लेवल कर दिया। अगर आपका हाथ नहीं अंदर जाता है, एक मिनट, तो फिर आप, मेरा तो हाथ इसमें चला जाता है, तो यू कैन यूज़ सम इंस्ट्रूमेंट इज़ वेल, कोई ऐसी चीज़ लेके ना, लकड़ी का पीस या कोई चीज़, उससे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। अच्छा जी, ये देखें हमने प्लांट सेट कर लिए हैं। इट वॉज़ अ कम्बरसम थिंग एक्चुअली प्लांट्स को इसके अंदर जमाना, इसकी वजह से मैं उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। और ये इसका फ्रंट है बेसिकली। अब इसमें हम थोड़ी सी बजरी डालने लगे, और जस्ट टू डेकोरेट, प्लांटेशन हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। चलें देखें, बजरी डालें नीचे। तो आगे पीछे जहाँ जहाँ हमें ये सॉइल नज़र आ रही है ना, उसके ऊपर हम ये बजरी, आपके पास हो यानी जो उसकी होती है क्या कहते हैं मार्बल की, या फिर ये पॉमिस हो। पॉमिस का थोड़ा सा मसला ये होता है कि जब हम इसको पानी देते हैं ना, तो इसमें सॉइल का जो है वो कलर आ जाता है, तो ये वाइट नहीं रहती बहुत अरसे तक। तो जो होती है मार्बल की वो कुछ अरसा वाइट रहती है, ठीक है। तो ये टेरेरियम जो है ये वैसे इतना टेक्निकल नहीं है जितना लगता है। बाद में इसकी केयर ज़्यादा है कि हमने इसको ऐसी लाइट में रखना है कि ना तो पौधे हमारे जले शीशे की वजह से, और ना ही इतनी कम लाइट हो कि वो लेगी हो जाएं और लंबे लंबे हो जाएं ना, तो इसको हमने बाद की केयर जो हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें अगर आपने कोई डेकोरेशन करनी है, कोई पेबल्स वगैरह रखने हैं, कोई ऑर्नामेंट रखने हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से फिर सजा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें आप, ये इस तरह से जैसे चॉपस्टिक को एज चॉपस्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल दो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि पत्थर हमारा गोलम गोल है, और ये, और इससे ना जो शीशा है उसकी वजह से थोड़ा सा विजन भी हमारी गड़बड़ हो रही है। एक और दो बेटे, ये देखें जी, ये हमने पीछे डालने हैं ना पौधों के पीछे, वो थोड़ा सा मसला हो रहा है, फिर हम इसको बाद में थोड़ा सा ऐसे करके सेट कर लेते हैं। वन मोर, एक और डालो, एक और दे दो बेटा। बैक पे हमारी जो भी जगह थी ना, उसको हमने कवर कर दिया है विद पेबल्स, और ये आगे भी हमने थोड़े बहुत यहाँ पर लगा दिए हैं। कोई ऑर्नामेंट्स भी रखे हैं इसमें, ठहर जाएं। ये हमारे पास जी, मेरे पास एक पुराना है,
ये एक ह्यूमन फिगर है, ये रख देते हैं। और इसके साथ क्या रखा जाए? आई थिंक ये एक हमारे पास मशरूम है। ये ग्लास ऑर्नामेंट्स हैं, ये पुराने हैं मेरे, पहले भी मैंने यूज़ किए हैं, आप लोगों को दिखाए भी हैं। लाओ चॉपस्टिक को दोबारा इस्तेमाल किया जाए। असल में ये चीज़ें ना स्लिपरी बहुत हैं, खाना तो पकड़ा जाता है चॉपस्टिक से, लेकिन ये चीज़ें ज़रा सी स्लिप हो रही हैं। ये लें जी, तो फाइनल लुक आ गया इसका। ओके जी, पीछे से भी दिखाऊं, द होल ऑफ द सॉइल इज़ कवर्ड बाय पेबल्स और बजरी, एंड एक दो हमने ये ऑर्नामेंट रख दिए हैं। आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस साइज़। एंड ओके जी, हैप्पी गार्डनिंग।